पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कंप्लेंट्स की ऑफिशियल लेटर्स में। इस वीडियो में हम कंप्लेंट्स के आगे जो और एग्जांपल हैं वो देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने दो देखे थे और अभी इस वीडियो में भी हम आगे उसी क्रम में एग्जांपल्स और देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, You are Gaurav, resident of 37 B. न्यू कॉलोनी निमका थाना। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का जो अर्थ है वो जानते हैं, क्योंकि उसके बिना तो हम डेफिनेटली कर नहीं सकते। यू आर गौरव, आप गौरव हैं। रेजिडेंट, निवासी हैं। रेजिडेंट, RESIDENT, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी। ऑफ 37D न्यू कॉलोनी निमका थाना। राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को, ऑफ योर टाउन, अपने कस्बे के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट द नुइसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स, जो आवारा पशु होते हैं उनके कारण सड़कों पर होने वाली परेशानी के बारे में शिकायत करते हुए। नॉइसेंस परेशानी, सरदर्दी जिसे आप कह सकते हैं। तो ये पिछले बैच में भी ये क्वेश्चन मैंने लिखाया था, लेकिन उसमें मैंने ये लेटर्स टू द एडिटर की कैटेगरी में लिखवाया था। तो सब्जेक्ट आपका रह सकता है, हो सकता है आपको ये लेटर्स टू एडिटर को लिखने के लिए बोला जाए, हो सकता है ये आपको कलेक्टर को लिखने के बोला जाए, हो सकता है ये आपको म्यूनसिपल के चेयरपर्सन को या चेयरमैन को लिखने को बोला जाए। तो किसी को भी लिखने को बोला जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट आपका ये रहेगा। और इनकेस अगर ऐसा कुछ आपको दिया जाता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करें वो हम इस क्वेश्चन में देखें। तो कल मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स, एक बार फिर से हम क्विक रिविजन उनका कर लेते हैं। कि पहला, बिगिन विथ रेस्पेक्ट टुवार्ड्स द अथॉरिटीज यू आर राइटिंग टू। दूसरा, व्हाट डू यू वांट। तीसरा, योर व्हाट इज योर इश्यू या प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन of the issue या problem, who is being affected. Last है, what do you expect? तो पहला point, begin with respect towards the authorities you are writing to। जिन अधिकारियों को आप पत्र लिख रहे हो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप अपने पत्र की शुरुआत कीजिए। दूसरा, ये फ्रेज लिखते ही
ये रेस्पेक्ट कन्वे करते ही तुरंत आपको अपने पॉइंट पर आना है और बताना है कि आप क्या चाहते हैं। तीसरा, आप मतलब जनरली ये लाइन, इस लाइन से मतलब ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहते हैं, आप उनका फोकस अपने बात के ऊपर लाना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर इश्यू, फिर आप बताते हैं कि ये आपका मुद्दा है, यानी कि आप चाहते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दिया जाए, आपकी समस्या क्या है, यहाँ पे आप बताते हैं। फिर अगला, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, यहाँ आप बताते हो समस्या क्या है और यहाँ फिर उसके जस्ट बाद में आप डिटेल में आपकी समस्या का विवरण देते हो कि क्या समस्या है। अगला, हु इज़ बीइंग अफेक्टेड, फिर आप ये बताते हो कि कौन इस समस्या से प्रभावित हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। अगला है व्हाट डू यू वांट, फिर आप बताते हैं कि आप चाहते क्या हैं कि ये अधिकारी इस संबंध में क्या करें। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे, छह पॉइंट्स के बेसिस पे आपको अपना जो लेटर है वो प्रिपेयर करना होता है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चंस वगैरह, ये पॉइंट्स वगैरह जो भी आपको लिखाए जा रहे हैं, ये आप अपनी नोटबुक में उतारिए और इनको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस यहाँ पे इस बार दिया गया है, तो हम स्टार्ट करेंगे 37D और कोमा लगाएंगे न्यू कॉलोनी। ये कोमा आपको तब लगाना है जब हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर दिया गया हो, तो उसके बाद में हम कोमा लगाएंगे, अदरवाइज हमें कहीं भी कोमा काम में नहीं लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे नीम का थाना। आप चाहें तो यहीं पे एड्रेस छोड़ सकते हैं, या चाहें तो आप सीकर और लिख सकते हैं, लेकिन नीम का थाना मेजर टाउन है, तो आप वहीं पर आप छोड़ सकते थे चाहते तो। नेक्स्ट एक लाइन की स्पेसिंग, इसके बाद में 25th June 2021, फिर एक लाइन की स्पेसिंग, और आप किसको लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं द चेयरमैन, तो द पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल रखना है, और जो भी पद होता है उस पद का पहला जो लेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो द चेयरमैन। कहाँ के चेयरमैन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और कहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये है नीम का थाना। तो इस तरह से आपको जो एड्रेस है वो लिख लेना है। नेक्स्ट एक और अपन लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, SUBJECT, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट। तो मैं आपको हर लेटर में बताता आ रहा हूँ कि कंप्लेनिंग अबाउट वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है द न्यूसेंस ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स, ये हम लिखेंगे न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स, यानी कि जो आवारा पशु हैं उनके सड़क पर, जो उनके जैसे सड़क पे हो रही जो परेशानियां हैं उसके संबंध में। सब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना होता है सैल्यूटेशन, जो कि सैल्यूटेशन यहाँ पे हम चेयरमैन को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे सर। तो अब सर से हम अपने लेटर की बिगिनिंग करते हैं और स्टार्ट से, तो एड्रेस आपका क्लियर है, सब्जेक्ट न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स। तो ये वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हैं, और अब हम आते हैं सर, आगे स्टार्ट करते हैं। तो सर के बाद में पहला जो पॉइंट था बिगिन विथ रेस्पेक्ट, कि सम्मान के साथ में आप चालू कीजिए, तो हम स्टार्ट करेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े ही सम्मान के साथ। आई, आपका पॉइंट, आप क्या चाहते हो, तो आई वांट टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहता हूँ योर अटेंशन, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू आर न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स।
तो आपने रेस्पेक्ट के साथ बिगिन किया अपना पॉइंट, जो है क्या चाहते हैं आप। चाहते हैं कि उनका ध्यान आकर्षित हो जो सड़कों के ऊपर आवारा पशु हैं उनकी वजह से होने वाली परेशानियों के ऊपर। अब आप ये लिख देने के बाद में अपनी जो लाइन है वो चेंज करेंगे, और लाइन चेंज करने के बाद में आपने ये जो प्रॉब्लम बताई है, जो समस्या बताई है, इस समस्या का आप विवरण देंगे कि आपकी जो समस्या है वो किस प्रकार से, मतलब वो आप समस्याग्रस्त हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे लाइन चेंज करके, मैनी पीपल रियर द एनिमल्स, यानी कि मैनी पीपल, अनेक लोग, रियर यानी कि पालते हैं, द एनिमल्स पशुओं को, बट लेकिन दे वे लेट देम स्ट्रे ऑन द रोड्स। तो वो इन जानवरों को पालते हैं, बट दे लेट देम, लेकिन वो उन्हें घूमने देते हैं, स्ट्रे भटकने देते हैं, ऑन ऑन टू onto the roads, लेकिन वो उन्हें सड़कों के ऊपर भटकने देते हैं। कब? ड्यूरिंग द डे टाइम। तो अब इस पूरे का अर्थ हो गया कि अनेक जो लोग हैं वो जानवर पालते हैं, बट दे लेट देम, लेकिन वो उन्हें भटकने देते हैं पूरे के पूरे दिन सड़कों के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक, तो अपार्ट मीन्स के अलावा, अपार्ट के अलावा, बीइंग फ्रॉम बीइंग अनहाइजेनिक, अस्वच्छ होने के अलावा, मैनी अनेक एनिमल्स जानवर स्क्वैट स्क्वैट ऑन द रोड्स एंड पेवमेंट्स। तो ये जो पशु हैं, ये पशु अस्वस्थ तो होते ही होते हैं, गंदगी तो फैलाते ही फैलाते हैं। मैनी एनिमल्स, अनेक जो पशु हैं, स्क्वैट ऑन द रोड्स एंड पेवमेंट्स, ये जो राह चलने वाले जो राहगीरों के लिए पथ जो होता है, फुटपाथ, पेवमेंट्स उन पे, और जो सड़क जो होती हैं उनके ऊपर भी बैठ जाते हैं। और इसके बाद में दिस कॉजेस, इसकी वजह से परेशानी खड़ी होती है। दिस कॉजेस, इसकी वजह से परेशानी खड़ी होती है, हैजार्ड टू द पीपल, लोगों को, तो इससे लोगों को परेशानी खड़ी होती है। साथ ही समटाइम्स, कई बार, दे गेट वायलेंट एंड डैमेज व्हीकल्स पार्कड इन द मार्केट, और दे ऑल्सो पोज ए थ्रेट टू द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो देखिए, ये विथ ड्यू रेस्पेक्ट, पहला पॉइंट, बिगिन विथ रेस्पेक्ट। सेकेंड पॉइंट, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स द न्यूसेंस, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये आपका सेकेंड पॉइंट। आप क्या चाहते हैं
टुवर्ड्स द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड, सी आपकी प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम है आपकी यहाँ तक, ये आपकी प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद में ये है यहाँ तक कि कौन इससे प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। अब अगला जो लास्ट पॉइंट है आपका वो है कि आप क्या चाहते हैं। तो हम लिखेंगे लाइन चेंज करके, मैं बड़ी ही विनम्रता से रिक्वेस्ट आपसे निवेदन करता हूँ, यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक द नेसेसरी NECESSARY नेसेसरी स्टेप्स इमीडिएटली IMMEDIATELY इमीडिएटली। नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, बिना लाइन छोड़े, थैंकिंग यू के बाद में कभी फुल स्टॉप नहीं लगता है। अब एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे योर्स फेथफुली, और लिखने वाले का नाम था गौरव। तो इस प्रकार से आपको ये लेटर करना है। अब आइए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े ही सम्मान के साथ, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवार्ड्स द नॉइसेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड, आवारा पशुओं की वजह से सड़कों के ऊपर होने वाली परेशानी की तरफ। लाइन चेंज की, फिर लिखा मैनी पीपल, अनेक लोग जो है रियर पालते हैं, द एनिमल्स पशुओं को, इसकी जगह कैटल भी लिख सकते थे, तो कैटल्स, तो मैनी पीपल रियर द एनिमल्स और कैटल्स, जो अनेक लोग हैं वो जानवर पालते पोसते हैं, बट दे, लेकिन वे, लेट देम स्ट्रे, उन्हें भटकने देते हैं, घूमने फिरने देते हैं, ऑन टू द रोड्स, सड़कों पर, यानी कि खुला छोड़ देते हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के दौरान, अपार्ट फ्रॉम बींग अनहाइजेनिक, ये गंदे तो होते ही होते हैं, कहने का मतलब गंदगी तो फैलाते ही फैलाते हैं, मैनी एनिमल्स, अनेक जानवर जो हैं स्क्वेट ऑन द रोड्स, वो सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं, एंड पेमेंट्स, और जो पथिकों का रास्ता होता है, जो फुटपाथ होता है, उस पर भी ये बैठ जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। दिस कॉजेज हैजर्ड टू द पीपल, इससे लोगों को खतरा होता है। समटाइम्स, कई बार, दे गेट वायलेंट, वे हिंसक हो जाते हैं, एंड डैमेज, और क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, व्हीकल्स, उन वाहनों को, पार्क इन द मार्केट, जो मार्केट में खड़े होते हैं। दे ऑल्सो पोज ए थ्रेट, साथ ही वो एक खतरा होते हैं, टू द लाइव्स ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन को। आई हम्बली, मैं बड़ी ही विनम्रता से रिक्वेस्ट यू, आपको निवेदन करता हूँ, टू लुक इन टू द मैटर, कि आप इस मामले में ध्यान दें, एंड टेक, और उठाएं द नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदमों को, इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सके। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए, योर्स फेथफुली, आपका आप में आस्था प्रकट करते हुए गौरव नाम उसका। तो ये देखिए कि हर चीज़ हमने पॉइंट के बेसिस पे लिखी है, तो आपको किसी भी लेटर की बॉडी उन 6 टॉपिक्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट करनी है। बिगिन विथ रेस्पेक्ट, नंबर 2, व्हाट डू यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं, वो लाइन जो कि हमेशा यही रहने वाली है कंप्लेंट्स में, कि आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द अटेंशन टुवर्ड्स, यहाँ तक। इसके बाद में व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या, जिसको ब्रीफ एक लाइन में लिखते हैं, हम केवल इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पे कि ये समस्या है, देन इंट्रोडक्शन के बाद में हम लाइन चेंज करते हैं और डिटेल्ड तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, पूरा वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक डिटेल्ड उसका डिस्क्रिप्शन दिया। वर्णन कर देने के बाद में हु आर बींग अफेक्टेड एंड हाउ, कौन उससे प्रभावित हो रहा है और कैसे प्रभावित हो रहा है, ये बात हम यहाँ से लिखकर यहाँ तक लिखते हैं। फिर जो 6 पॉइंट होता है उसमें हम ये बताते हैं कि आप क्या आशा कर रहे हैं, कि जिस अधिकारी को आपने पत्र लिखा है उससे आप क्या आशा कर रहे हैं, वो आप इस लाइन में लिखते हैं, इसके बाद में धन्यवाद देते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, आज के नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो जो एग्जांपल अब हम देखने वाले हैं वो एक्चुअली कंप्लेंट्स का एक स्टैंडर्ड बन गया है, जो आपने न जाने कितनी ही बार बोर्ड एग्जाम पेपर में वो आया है,
और लगभग हर ही क्लास में, जिसमें भी लेटर सिलेबस में होते हैं, उन सभी क्लासेस में वो पूछ लिया जाता है साल दर साल या एक दो साल का गैप देके। तो वो है बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि जो लाउड स्पीकर का यूज होता है उसके ऊपर बैन के संबंध में आपको एक कंप्लेंट करनी होती है। तो क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो आपको अपने जिले के जो कलेक्टर हैं उनको एक पत्र लिखना है और उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि वो जो लाउड स्पीकर है उसके ऊपर, उसके इस्तेमाल के ऊपर बैन लगाएं। तो यहाँ पर कोई भी एड्रेस आपको नहीं दिया गया है, तो हम अपने हिसाब से एड्रेस लिखेंगे और हम लिखेंगे श्याम नगर नीम का थाना सीकर। एक लाइन की जगह छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे 25 जून 2021। एक लाइन की फिर जगह छोड़ेंगे, हम संबोधित कर रहे हैं कलेक्टर को, दो कलेक्टर और कलेक्टर वगैरह के अगर पदाधिकारी हों तो इनका कोई संस्था नहीं होती, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तो ऐसे में स्ट्रेट एड्रेस लिखते हैं, और एड्रेस भी हम जिस जिले का कलेक्टर होता है केवल उस जिले का नाम यहाँ पे लिखते हैं, बाकी और कुछ नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ऊपर प्रतिबंध लगवाने हेतु। तो ये हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। अब सैल्यूटेशन, तो आप समझ गए होंगे सैल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है। तो सैल्यूटेशन हम सर लिखेंगे और सर ऊपर से चालू करेंगे। तो ये क्वेश्चन वगैरह के लिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, एड्रेस तक नोट कर सकते हैं। इसके बाद में सर सैल्यूटेशन सर। अब आप चाहें तो इसे कंप्लेंट, रेगुलर जो कंप्लेंट अभी तक हमने 3-4 एग्जांपल जो देखे हैं उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं, या इसकी शुरुआत आप सीधे आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना जो रेस्पेक्ट है वो कन्वे करते हैं विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बड़े ही सम्मान के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं एक 12वीं क्लास का छात्र हूँ, और आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। तो आप चाहें तो आप इसे जो हम अभी तक लिखते आए हैं उस हिसाब से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, और फिर आप लिख सकते थे, या फिर नोटिस के बाद में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते थे और फिर बता सकते थे बाद में कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो किसी भी प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो ब्रिंग योर काइंड नोटिस, काइंड नोटिस, नोटिस दैट इट इज और
एग्जाम टाइम। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये हमारा एग्जाम टाइम है और द स्टूडेंट्स कैन नॉट कंसंट्रेट द स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं कैन नॉट कंसंट्रेट वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ऑन देयर स्टडीज। तो जो विद्यार्थी हैं वो अपने अध्ययन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज क्यों नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज क्योंकि सम पीपल क्योंकि कुछ लोग इन माई लोकेलिटी मेरे कस्बे में लोकेलिटी यूज लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट। तो वो अपने अध्ययन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज सम पीपल क्योंकि कुछ जो लोग हैं इन माई लोकेलिटी मेरे यहाँ कस्बे में यूज लाउड स्पीकर्स वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी से लेकर टिल लेट एट नाइट रात को देर तक। तो वी कैन नीदर वी कैन नीदर स्टडी नॉर स्लीप वेल। तो हम ना तो स्टडी कर पा रहे हैं स्टडी STUDY ना तो हम स्टडी कर पा रहे हैं और ना ही जो सो पा रहे हैं अच्छे से ड्यू टू अनबियरेबल साउंड ऑफ लाउड स्पीकर्स। ऐसा इसलिए नहीं हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे और अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो लाउड स्पीकर है उसके असहनीय आवाज के कारण। तो अब आप देखिए कि रेस्पेक्ट से हमने चालू किया और हमने बताया कि हमारी समस्या क्या है और इसके बाद में हमने अपनी समस्या का विवरण दिया और यहाँ पर हमने जो लास्ट की दो लाइन है उनमें बताया कि किस प्रकार से हम जो है इस समस्या से पीड़ित हैं। इसके बाद में अब अपना जो डिस्क्रिप्शन पूरा हो गया है प्रॉब्लम का तो अब हम सीधा जो अपने सॉल्यूशन पे है वो आते हैं कि हम क्या सॉल्यूशन इनसे चाहते हैं। तो आई होप लाइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे तो आई होप आई होप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ADMINISTRATION तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। तो आई होप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि मैं आशा करता हूं कि जो जिला प्रशासन है विल इम्पोज लागू करेगा ए स्ट्रिक्ट बैन एक सख्त प्रतिबंध ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स और टिल द एंड ऑफ और एग्जामिनेशन। अब हम लाइन चेंज करेंगे
और प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली थैंकिंग यू THANKING थैंकिंग यू सॉरी इंक ड्राई हो चुकी है थैंकिंग यू। इसके बाद में हम एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे योर्स फेथफुली और जो भी नाम क्वेश्चन में दिया गया हो वो हम लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले मोस्ट रेस्पेक्टफुली तो आपने सम्मान प्रकट किया जिस अथॉरिटी को आप लिख रहे हैं यानी कि कलेक्टर को उसके प्रति। फिर आपने लिखा आई बेग टू से दैट मैं ये कहना चाहता हूँ यानी कि ये वो पॉइंट है व्हाट डू यू वांट कि आप क्या चाहते हैं। तो आप ये चाहते हैं दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th कि मैं एक विद्यार्थी हूँ कक्षा 12 का और आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस और मैं चाहता हूँ आपका ध्यान आकर्षित करना दैट इट इज ऑन एग्जाम टाइम कि ये हमारा परीक्षा का समय है। द स्टूडेंट्स कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज लेकिन जो विद्यार्थी हैं वो कैन नॉट कंसंट्रेट वो ध्यान नहीं दे पा रहे कंसंट्रेट CONCENTRATE कंसंट्रेट यानी ध्यान देना लेकिन जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ऑन देयर स्टडीज अपने अध्ययन के ऊपर बिकॉज क्योंकि सम पीपल कुछ लोग इन माई लोकेलिटी मेरे स्थान पर मेरे एरिया में यूज लाउड स्पीकर जो लाउड स्पीकर है ध्वनि प्रदूषक का यंत्र जो है प्रसार के यंत्र जो है उसका इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी से लेकर टिल लेट एट नाइट रात को देर तक। वी कैन नीदर स्टडी ना तो हम पढ़ पा रहे हैं नोर स्लीप वेल ना ही अच्छे से सो पा रहे हैं ड्यू टू अनबियरेबल साउंड ऑफ लाउड स्पीकर की असहनीय आवाज के कारण। आई होप मैं आशा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिला प्रशासन है विल इम्पोज वो थोपेगा लागू करेगा ए स्ट्रिक्ट बैन एक सख्त प्रतिबंध ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ऊपर कब तक टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशन कि जब तक कि हमारी एग्जाम समाप्त नहीं हो जाती जब तक इनके ऊपर स्ट्रिक्ट जो बैन है वो लागू करेगा जिला प्रशासन ऐसा मैं आशा करता हूँ। प्लीज लुक इन टू द मैटर और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले में ध्यान दें एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली और शीघ्रता से ही जो आवश्यक कदम है वो उठाएं। थैंकिंग यू आपको धन्यवाद देते हुए योर्स फेथफुली और जो भी क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया हो वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको कंप्लेंट्स जो है वो पूरी हो गई हैं। अब ये सभी क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में उतारने हैं साथ ही ये आंसर लिखने हैं। वीडियो को पॉज करें अच्छे से और बड़ी ही साफ सफाई के साथ इनको लिखें ये नोटबुक्स आपकी चेक की जाएंगी बाद में और साथ ही अगर कोई पूछने लायक बात है तो निश्चित रूप से पूछें और जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो नियमित करते रहें डेस्क वर्क वगैरह का यूज़ करें और ध्यान से इसके ऊपर पढ़ें पढ़ाई करें लेटर्स की।